हाय हाय जदों खबरां तेरा ना खबरां तेरा ना मैं जानिया। हे दी व्हाट्सएप गाइज, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपने आगे देख लिया होगा कि आज हम किस तरह की वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, तो इस तरह की वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको चाहिए दो ऐप, एक है फोटोफोनिया और दूसरे वीएन एडिटिंग ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आप हमारी वीडियो देख सको सबसे पहले। तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल स्क्रीन पे आ जाने के बाद आपको ये जो फोटोफोनी ऐप है उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के इमेजेस टेम्पलेट है, तो आपको ये यहाँ पे नहीं जाना। यहाँ पे ये जो पॉपुलर वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको टैप करना है, और जब आप टैप करोगे तो ये जो बिजनेस न्यूज़पेपर वाला टेम्पलेट है वहाँ पे आपको टैप करना है। और टैप करने के बाद यहाँ पे जो स्क्रीन शॉट है वहाँ पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको जो इमेजेस रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मुन्ना भाई का रख देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे टैप करना है। तो आर्टिकल में जाना है और यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जलवा है हमारा, जलवा है हमारा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद ये जो ऊपर ओके वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको टैप करना है, और जब आप टैप करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस न्यूज़पेपर पे आपका इमेजेस और जो आपने ऐड किया था वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है आपको टैप करना, और जब आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपका इमेजेस आपके गैलरी में आ जाएगा। तो उसके बाद आपको वापस से बैक जाना है, और बैक जाने के बाद आपको फिर से एक दूसरा फोटो को लेना होगा। यहाँ पे आपको दो तरह के न्यूज़पेपर इमेजेस चाहिए, तो आपको चूज़ फोटो पे वापस जाना है, और यहाँ पे मैं एक दूसरा और इमेजेस ले लेता हूँ। तो उसके बाद आपको ओके कर लेना है, और उसके बाद आपको ये जो नीचे है वो तो आपको सेम ही रखना है। उसके बाद आपको वापस से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारा इमेज से हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद आपको अपना वीएन एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो वीएन ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है वहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है, और टैप करने के बाद हमने जो इंस्टाग्राम से वीडियो को डाउनलोड किया था उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, और इस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो उसके बाद आपको इस वीडियो पर टैप करना है, और टैप करने के बाद इसको आपको 0.95 सेकंड से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे सभी इमेजेस को इस टाइम रेशियो के हिसाब से इसको कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइम रेशियो दे देता हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं सबको टाइम के हिसाब से कट कर लेता हूँ। तो 0.95 सेकंड, दूसरे इमेज को 2.00 सेकंड, तीसरे इमेज को 5.01 सेकंड, और फॉर इमेजेस को 11.50 सेकंड से कट कर लेना है। तो इमेजेस कट करने के बाद आपको इस सभी वीडियो को और सभी इमेजेस को यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना है। तो रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको इस इमेजेस पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे जो रिप्लेस का ऑप्शन है वहाँ पे आपको टैप करना है, और जब आप टैप करोगे तो यहाँ पे हमने जो न्यूज़पेपर वाला इमेज को बनाया था उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट उसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पे सेकंड इमेज पे जाना है, और यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद रिप्लेस में जाना है, और अपने दूसरा न्यूज़पेपर वाला इमेज था उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपको वापस से तीसरे पे जाना है, और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट न्यूज़पेपर वाला इमेज था उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो उसको लास्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे टैप करना है, रिप्लेस में जाना है। रिप्लेस में जाने के बाद दूसरा न्यूज़पेपर वाला इमेज था उसको आपको यहाँ पे टैप करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सभी इमेजेस यहाँ पे अप्ली हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं पहले तो ओरिजिनल है, यहाँ पे मैं टिकटॉक का 9.60 रेशियो को रख देता हूँ। तो इस इमेज को आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो हाँ, इसको हम यहाँ पे थोड़ा इतना सा बड़ा कर लेंगे। तो हम सभी इमेज को यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन एनिमेशन इफेक्ट लगाना होगा। तो यहाँ पे आप प्लस वाले आइकन पे जाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जूम वाले एनिमेशन है, लेकिन जब आप इसको लगाओगे तो ये बहुत ही क्विकली ट्रांजेक्शन होगा। तो इसके लिए हम इसको दूसरी तरह से एडिट करेंगे। इसके लिए आपको इस इमेज पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको की फ्रेम पे जाना है, और जब की फ्रेम पे जाओगे तो वहाँ पे आपको माइनस में करना है, और उसके बाद इस इमेज को आपको इस तरह से रख देना है। और उसके बाद आप आगे जाके इस इमेज को, ये जो आपका इमेज है वहाँ से आपको रख देना है।
तो उसके बाद हम यहाँ पे इस इमेज इस वीडियो को स्टार्ट करते देखेंगे। तो देखते हैं वीडियो कैसा दिखता है। तगड़ा लगे हैं तो इसी तरह से आपको सभी इमेज पे इस तरह से क्री फ्रेम लगा देना है। तो यहाँ पे हमने सभी इमेजेस पे की फ्रेम लगा दिए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे आपको सभी इमेज पे नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला इमेज है वहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एफएक्स में जाना है और ये जो डिजिटल वाला आपको टैप करना है। और जब आप टैप करोगे तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन इफेक्ट लग जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो उसके बाद आपको ये जो फोर्थ वाला इमेज है उस पर आपको टैप करना है और ये जो प्लस वाला आइकॉन है वहाँ पे आपको जाना है, प्लस वाला और यहाँ नेक्स्ट वाला एनिमेशन आपको लगाना है। तो उसके बाद हमारा वीडियो कुछ पूरी तरह से एडिट हो गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारा वीडियो पूरी तरह से एडिट हो गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इस तरह से एकदम जिस स्टेप में इस तरह का वीडियो एडिट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर चलिए मिलते हैं हम हमारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।